हेलो स्टूडेंट, आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो है परिमेयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, आपको आपके सामने एक सवाल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है, अगर बाय द वे अगर हमारा स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर रहा होता क्या करता, ठीक है, ऐसे सवाल को देखता इसका आंसर तो 8 होगा, काम खत्म। अब आप बोलिएगा ऐसा कैसे, लेकिन हमारा स्टूडेंट लोग करते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके सवालों को जवाब देना है तो कुछ नहीं देखिएगा। अच्छा, 3 × 6 = 6 डिवाइडेड बाय इतना यानी कि 4, यानी कि आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको भी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन को देखते ही आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं आया तो फिर क्या, यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई नहीं है। चलिए ठीक है, अब इस सवाल को अब हम लोग सीखते हैं। आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, बिल्कुल होगा। इस सवाल को अब हम लोग सीखेंगे कैसे, शुरुआत से। अभी बस आपको ट्रेलर दिखाए थे, ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 चार प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम सारे टाइप को देखते हैं और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे अगर इस चीज को कमांड करना है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 1 से अब हम लोग। चलिए अब हम सीखते हैं, अभी तो आप लोग बस झलक देखे थे, अब यहां से यदि आपको कंप्लीट कमांड चाहिए ना तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है, टोटल 4 टाइप होता है। टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 1/√5 इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करने में नीचे से रूट को हटाना पड़ता है। ठीक है, किसी में भी नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, आप जब भी आंसर देखोगे तो नीचे में रूट कहीं नहीं मिलता है। उसका उसके पीछे का रीजन है कि एक लेसन बना है रेशनलाइजेशन, इसको सॉल्व करना है। चलिए अब यहाँ पे 4 सवाल आपके सामने दे रखे हैं, बाकी सवाल आप अपने से खुद क्रिएट करके बना सकते हो। 1/√5 हम चाहते हैं कि यहां से रूट गायब हो जाए, कुछ नहीं करना है, इस 5 को जो भी नीचे लिखा हुआ है ना रूट वाले को उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे रूट हटा के इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट कहता है इतना, जो भी नीचे रूट होता है उससे ऊपर नीचे गुना किया जाता है, तो ये √5 ऊपर बच गया और नीचे में रूट क्या हो गया, 5 हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो आप क्या करोगे, टाइम को सेव करने का कोशिश करो, धीरे धीरे आदत डालोगे आपका हो जाएगा। चलिए इसी को देखना है, मैंने क्या बोला था, जो भी डिजिट नीचे लिखा है इसको एज इट इज ऊपर छोड़ दीजिए, 3, ये इसको कुछ नहीं करना है, नीचे के रूट को हटा दिए √7। अब नीचे रूट हटाए हैं तो क्या किए थे, नीचे 5 अपने से जोड़ दिए थे, हो गया आपका आंसर। इसको क्या करना है, इसमें रूट नहीं लगा है तो छोड़ दीजिए, इसमें रूट लगा है तो इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे 5 कर देंगे, हो गया आपका आंसर, यानी कि 5 × 3 = 15। इसको और सुधार करके लिख सकते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो रूट, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो √2 ऊपर 2 नीचे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका, रेशनलाइजेशन का, परिमेयीकरण का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए अब सीखते हैं टाइप 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाबू आपने टाइप 1 तो देखा, टाइप 2 के कैसा सवाल होता है आपको मैं पहले एक झलक दिखा दूं। टाइप 2 को मैंने 2 भाग में बांट रखा है, बिल्कुल सहज तरीका से बाबू, बस देखो वीडियो को, ठीक है ना, मजा आ जाएगा, एंजॉय करोगे, एकदम मुस्कुराहट आपके चेहरे पे एकदम 100% होगा। रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन क्या, मेरे सारे वीडियो में ऐसा ही चलता है। ठीक है, क्या करना है, टाइप 2 में क्या होता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे हैं, यहाँ पे ध्यान दो बाबू, √3 − √2 तो ठीक है, a² − b² = 1 तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 में से 5 गया है ना, तो 2 1 नहीं हुआ, तो a² − b² = 1 a² − b² = 1। तो आप अगर चाहते हो इसको भी नहीं देखना, ठीक है, इस नियम से भी अगर ऊपर उठना चाहते हो तो बस मेरा वीडियो देखते जाओ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, जब भी 1 आ जाए तो इसका आंसर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, √3 + √2। मजा आया होगा आप लोग को, ठीक है, ओके। क्या किए मैंने, 3 में से 2 गया तो 1, जहां भी नीचे में अगर अंतर 1 आ जाए तो आपको सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को, बस उलट के साइन चेंज कर देना है। चलिए एक एग्जाम्पल अगर आप सीख गए होंगे तो इसका आंसर आपको मजा आ रहा होगा, अंदर अंदर आप मुस्कुरा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, भाई इसका आंसर तो आ गया होगा, बस सर का आंसर देखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अब बाबू यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है,
इसको अगर हमको रूट के अंदर डालते तो ये ऐसे होता, ओके। तो हम दो की जगह पे यानी कि रूट फोर यहां पे हम दो लिख दिए, तो हटा दीजिए। इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर चार, और इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन, चार में से तीन गया तो एक। अच्छा इसका भी एक आया, अगर इसका भी एक आया तो क्या करेंगे आंसर टू प्लस रूट थ्री, यानी कि साइन चेंज करके उल्टा कर देना और बस मुस्कुराहट आपके चेहरा पे आते रहेगा, ओके। तो हमारा स्टूडेंट क्या करते हैं ना, हमेशा सवाल को देखते ही सबसे पहले एक और चीज सीख लो बाबू, किसी भी सवाल को देखते ये मतलब बिल्कुल नहीं करना है आपको, पहले सवाल पढ़ना है शांति मन से देखना है। अरे भाई बिना पेन लगाए बहुत सारा सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखना है, अब यहां पे क्या है थ्री माइनस रूट एट, तो इसको रूट में डालते तो ये नाइन होता और नौ में से आठ गया तो कितना वन, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका करेंगे, ठीक है। तो आपका वन, जैसे ही वन आया आंसर को उलट देना है, थ्री प्लस रूट एट आपका आंसर हो गया। चलिए इसका, अब इसका आंसर देना है तो तीन को तो हमको कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है तो छोड़ देंगे इसको। अब यहां पे देखिए तो इतने यानी कि पांच, ये दो नहीं है इसको चार करेंगे, क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मन में याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो पांच हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो चार होगा, पांच में से चार गया एक। अच्छा ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है आपको, बस उलट देना है। हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट लोग सोच रहे होंगे अच्छा सर ने तो ये बस सेट कर दिया जिसमें वन आ रहा है, अरे भाई जिसमें वन नहीं आएगा उसके लिए क्या सर, अरे भाई उसके लिए मैंने यहां दे रखा है आपको। अब चलिए यहां पे देखिए तो इसी टाइप को यानी कि जिसमें वन नहीं आओ, सात में से पांच गया तो दो, वन नहीं आया, जब वन नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिएगा अंतर कितना है दो, कुछ नहीं करना है इसको पलट दीजिए रूट सेवन माइनस रूट फाइव हो गया। अब इसके अंतर से इसको बस इसमें डिवाइड कर देंगे आपका आंसर, ठीक है। इसमें क्या करना है पांच में से तीन गया तो दो, वन नहीं आ रहा है, अगर वन आता तो हम कुछ नहीं करते सीधे उलट देंगे और साइन चेंज करते, लेकिन पांच में से तीन गया तो दो, अच्छा दो बटे दो तो आपका बचा है कितना, और ये एक कट गया था यानी कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री। इसका आंसर देखना है, इसका आंसर देखना है तो नौ में से पांच, अच्छा नौ में से पांच गया तो चार, चार से चार कट गया यानी कि रूट नाइन रूट फाइव, और साइन को क्या करना है चेंज करना है माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसे बढ़ाइएगा मैथ तो आपका स्पीड 100% इंक्रीज हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप क्या कीजिएगा वीडियो को पॉज करके खुद बना के देख सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो फिर हम क्या करते कर देते हैं। सात में से तीन गया तो पांच, तो सात में से तीन गया तो चार, तो ये एज इट इज रह जाएगा, चार हो गया, और इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट थ्री, ये इसको कटा यानी कि आपका आंसर वन बाई टू रूट सेवन प्लस रूट थ्री, ठीक है आपका आंसर हो गया इतना। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा होगा, आपका टाइम बहुत ही बचेगा बाबू, ठीक है। अगर टाइम नहीं सेव कीजिएगा तो कंपटीशन आपसे नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप टू का सवाल, यानी इस टाइप का जितना भी सवाल है सब आपसे बनेगा, याद रखना है। अब टाइप थ्री इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा टाइप थ्री को समझने में, चलिए ओके देखते हैं अब टाइप थ्री की तरफ हम लोग। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप थ्री की तरफ अब लोग हम आगे कैसे बढ़े। टाइप थ्री में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बाबू, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन को हम टाइप थ्री अपने अनुसार से बांट रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बाबू एक को मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा आपको हिंट कर रहा हूं कैसे करना है मन में, और सीधे आंसर लिखना है। तो आगे देखिएगा क्या होगा, ये पूरा ए है और ये पूरा आपका बी है, ठीक है, और ये जो भी है ना ये रूट में रहेगा, ये रूट में एक के ऊपर रूट दे या नहीं दे बात बराबर है, इसलिए हमने इसको एक छोड़ दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी दोनों को मन में ही जोड़ देना है, a प्लस बी, ठीक है, और बीच में जो साइन ऊपर में है वो साइन ऊपर ही छोड़ दीजिए प्लस, और यहां पे क्या करना है 2 इंटू ए प्लस बी यानी रूट थ्री, ठीक है। अब तो ये हो गया, लेकिन इतना ही नहीं होगा, और
तीन में से एक गया तो दो, दो को इससे डिवाइड कर दीजिए, दो को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ए प्लस बी जो हुआ तीन और इतना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन आए चार, ठीक है, ए प्लस बी, पहले आपको अच्छा से समझ लो, अब तीन आए चार यहां कर दिए डिवाइडेड बाई इसके अंतर से, अंतर कितना दो, तो जो भी अंतर है लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो तीन आए चार, और क्या करना है टू इंटू ए इंटू बी रूट थ्री इंटू इतना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, आपका आंसर टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप मन में बनाए होते ना तो आपका स्पीड काफी तेज होता, क्योंकि ये आपको सीखना था इसलिए मैंने धीरे से इसको बनाया। अब यहां पे क्या करना है, पांच और तीन आठ, पांच में से तीन गया तो कितना, पांच में से तीन गया तो आपका हो गया दो, तो आठ को दो से डिवाइड कीजिए, आंसर सीधे लिखिए चार प्लस। अब यहां पे क्या करना है टू इंटू ए बी, यानी टू रूट पांच तीन पंद्रह आपका आंसर। अगर आप चाहोगे इससे कॉमन लेना तो कॉमन भी ले सकते हो, अगर सीखने के पर्पस से है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं था तो छोड़ दिए, ठीक है, अगर कॉमन लेना तो ले लोगे, ठीक है। अब यहां पे करना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसको डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं, तो सात पांच कितना होता है बारह, सात में से पांच गया तो दो हो गया प्लस, सॉरी इसमें माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहां पर क्या करना है टू इंटू ए बी, यानी कि सात पच्चे पैंतीस, यानी कि टू रूट पैंतीस, ये इसको काटा छह मरते में तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां से टू कॉमन ले लिए थ्री, और यहां हो जाएगा इतना आपका आंसर, ठीक है। तो बाबू आप क्या करोगे, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना है ना एग्जाम में, तो इस मेथड से जरूर चलना, नहीं तो आप रेशनलाइजेशन करोगे ऊपर नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करेंगे नीचे करेंगे दोनों का स्क्वायर करेंगे काटेंगे सब कुछ करेंगे बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आई होप ये पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बड़े वाले सवाल को देखते हैं जो कि हम जहां से आज का वीडियो चालू किए थे टाइप फोर। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप थ्री की तरफ अब लोग हम आगे कैसे बढ़े। टाइप थ्री में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन को हम टाइप थ्री अपने अनुसार से बांट रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बाबू एक को मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा आपको हिंट कर रहा हूं कैसे करना है मन में, और सीधे आंसर लिखना है, तो आगे देखिएगा क्या होगा। ये पूरा ए है और ये पूरा आपका बी है, ठीक है, और ये जो भी है ना ये रूट में रहेगा, ये रूट में, एक के ऊपर रूट दे या नहीं दे बात बराबर है, इसलिए हमने इसको एक छोड़ दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस बी दोनों को मन में ही जोड़ देना है, ए प्लस बी, ठीक है, और बीच में जो साइन ऊपर में है वो साइन ऊपर ही छोड़ दीजिए प्लस, और यहां पे क्या करना है टू इंटू ए प्लस बी यानी रूट थ्री, ठीक है। अब तो ये हो गया, लेकिन इतना ही नहीं होगा, और तीन में से एक गया तो दो, दो को इससे डिवाइड कर दीजिए, दो को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ए प्लस बी जो हुआ तीन और इतना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां पर तीन आए चार, ठीक है, ए प्लस बी, पहले आपको अच्छा से समझ लो, अब तीन आए चार यहां कर दिए डिवाइडेड बाई इसके अंतर से, अंतर कितना दो, तो जो भी अंतर है लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो तीन आए चार, और क्या करना है टू इंटू ए इंटू बी रूट थ्री इंटू इतना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, आपका आंसर टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप मन में बनाए होते ना तो आपका स्पीड काफी तेज होता, क्योंकि ये आपको सीखना था इसलिए मैंने धीरे से इसको बनाया। अब यहां पे क्या करना है, पांच और तीन आठ, पांच में से तीन गया तो कितना, पांच में से तीन गया तो आपका हो गया दो, तो आठ को दो से डिवाइड कीजिए, आंसर सीधे लिखिए चार प्लस। अब यहां पर क्या करना है टू इंटू ए बी, यानी टू रूट पांच तीन पंद्रह आपका आंसर। अगर आप चाहोगे इससे कॉमन लेना तो कॉमन भी ले सकते हो, अगर सीखने के पर्पस से है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं था तो छोड़ दिए, ठीक है, अगर कॉमन लेना तो ले लोगे, ठीक है। अब यहां पे करना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसको डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं, तो सात पांच कितना होता है बारह, सात में से पांच गया तो दो हो गया प्लस, सॉरी इसमें माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहां पर क्या करना है,
टू इंटू ए बी यानी कि सात पच्चे पैंतीस यानी कि टू रूट पैंतीस, ये इसको काटा छह मरतबे तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां से टू कॉमन ले लिए थ्री और यहां हो जाएगा इतना आपका आंसर। ठीक है तो बाबू आप क्या करोगे, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना है ना एग्जाम में, तो इस मेथड से जरूर चलना, नहीं तो आप रेशनलाइजेशन करोगे ऊपर नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करेंगे नीचे करेंगे दोनों का स्क्वायर करेंगे काटेंगे सब कुछ करेंगे बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आई होप ये पसंद आया होगा। ठीक है चलिए अब इसके बड़े वाले सवाल को देखते हैं जो कि हम जहां से आज का वीडियो चालू किए थे टाइप फोर। चलिए अब देखते हैं टाइप फोर, ये बाबू आप बिल्कुल याद रखना ये क्या है वीवीआई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको बनाना सीखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप थोड़ा सा अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो इस चीज को याद रखोगे। कैसे, सवाल आएगा इतना प्लस या तो माइनस, यहाँ पे साइन क्या होगा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ये वाला इधर होगा ये वाला उधर होगा और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है तो ऐसे सवाल जब भी देखो ना तो मुस्कुराहट आपके चेहरा पे आना चाहिए कि अरे ये तो सवाल हम जानते हैं और विदिन कुछ सेकंड में बनाएंगे और बाकी को देखिए कितना देर लगता है बनाने में। ठीक है चलिए इसको बनाना है तो ये दो प्रकार का सवाल, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो क्या करना है टू इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अंतर, क्या करना है टू इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अंतर। अगर माइनस आया तो फोर इंटू ए बी बटे अंतर, इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि हम ये क्यों ले रहे हैं, अगर प्रूफ करना है तो कमेंट में अगर आप चाहोगे तो मैसेज कर देना कि सर इसको कमेंट हमें प्रूफ करके बताओ ऐसा क्यों ले रहे हम। ठीक है कुछ नहीं, ऐसा करते करते आपका भी आदत बनना चाहिए, नहीं है तो बना लो आप आदत ताकि टाइम बचाना है वहां आपको एग्जाम में। अब इसको बनाना है तो हमने क्या किया, पहले क्या किया देखिए प्लस लिया माइनस को यहां से हटा दिया, अब ये प्लस है तो प्लस है तो क्या करेंगे पांच और तीन आठ, तो क्या लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे आप यहां पे देखो पांच और तीन आठ तो टू इंटू एट डिवाइडेड बाई अंतर, पांच में से तीन गया तो दो हो गया यानी इसका अंतर इसका आंसर कितना हुआ आठ। ओके अब बताओ बाबू इसको बनाने में कितना टाइम लगा, अगर आप प्रमेयीकरण कर रहे होते कन्वेंशनल मेथड से बना रहे होते तो ये यहां तक जाके सॉल्व होता। ठीक है चलिए अब चलते हैं, क्या आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। ठीक है अब हम इस सवाल को चेंज करते हैं, अगर ये ऐसा रहता अगर यहां पे माइनस होता तो क्या होता फोर इंटू ए बी डिवाइडेड बाई अंतर, क्या फोर इंटू ए बी डिवाइडेड बाई अंतर। ठीक है तो फोर इंटू ए बी, चलिए फोर इंटू ए बी फोर पांच पंद्रह डिवाइडेड बाई अंतर, पांच में से तीन गया तो कितना आपका दो, तो ये कितना हो जाएगा टू रूट पंद्रह। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर हमारा ये मेथड अच्छा लग रहा है आपका कहीं ना कहीं टाइम सेव कर पाने में सक्षम है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, लाइक करना ना भूलेंगे। ठीक है आपका गुरुदक्षिणा मेरा लाइक, आपका लाइक ही मेरा गुरुदक्षिणा है। ठीक है चलिए अब इस बाबू एक काम कीजिए, हमने दो सवाल तीन सवाल और दे रखा है, इसको क्या करना है आपको बनाना है। आप आई होप कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया होगा देखते ही इस सवाल को बनाने के लिए, है ना ये सवाल सर ये सवाल तो अभी आप सिखाया था इसका आंसर, ये ऑब्वियसली आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ये क्या है प्लस है, अगर प्लस है यहाँ पे तो हमने क्या बताया था टू ए प्लस बी तो तीन और दो पांच, दो गुने पांच तीन में से दो गया तो कितना एक, इसका आंसर कितना दस। कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा टाइम। ठीक है चलिए यहां पे बताते हैं, अगर माइनस है तो फोर इंटू ए बी डिवाइडेड बाई अंतर, तो फोर इंटू ए बी तीन दूनी के छ तो फोर रूट सिक्स डिवाइडेड बाई अंतर, तीन में से दो गया तो एक, इसीलिए जब हम ये वीडियो चालू किए थे ये वाले सवाल को देखते ही फोर रूट सिक्स मारे थे। अब समझ में आया होगा आपको कि फोर रूट सिक्स कैसे आ रहा था आंसर। ठीक है ओके समझ में आया होगा, चलिए इसका आंसर अब आपको देना है, इसका आंसर आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अच्छा चले तो रहने दो, कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि रूट आपको लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है चलिए हम ही इसका आंसर देते हैं, तो आपका क्या करना था फोर सबसे पहले फोर इंटू ए बी सात पचे पैंतीस डिवाइडेड बाई अंतर, सात में से पांच गया तो दो, ये दो इसको काटा यानी कि कितना टू रूट थर्टी फाइव,
आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है बाबू, लास्ट तक जो वीडियो देखे होंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा। वो फायदा क्या है, जब भी हम परिमेयकरण करेंगे, कोई भी परिमेयकरण करेंगे, तो लेफ्ट साइड का डिजिट हमेशा बड़ा रखना है। अभी तक देखिएगा पांच बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है, पांच। ये सवाल में तीन बड़ा है, ये सवाल में तीन बड़ा है, इसके पहले भी जितना सवाल लिए हैं, लेफ्ट साइड का डिजिट आपको बड़ा रखना है। अगर बड़ा नहीं है आपका माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नहीं बड़ा है तो बड़ा पहले कर देंगे और उसके कारण जो माइनस प्लस होगा वो हम करेंगे। आई होप कि हमारा ये शॉर्टकट अच्छा लगा होगा। और भी शॉर्टकट से चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको एनी टाइम देखने के लिए मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।